हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस नोड सी 4 मॉडल के बारे में, जो कि वन प्लस का मोबाइल है और जिसकी लॉन्चिंग होने वाली है 1 अप्रैल 2024 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस मोबाइल के डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है एमोलेड, जो कि 1 बिलियन कलर शेड्स के साथ आती है और इस मोबाइल का रिफ्रेश रेट होगा 120 हर्ट्ज़। और इसी के साथ ये डिस्प्ले हमें HDR 10 प्लस सपोर्ट के साथ मिलता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका डिस्प्ले साइज़ हमें मिल जाता है 6.74 इंचेस और 89.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। रेजोल्यूशन 1240x2772 पिक्सल मिलेगा। वहीं अगर हम PPI की बात करें तो 451 PPI की डेंसिटी इसमें हमें मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल जाता है एंड्रॉयड 14, जो कि कलर OS 14 के साथ हमें मिलेगा। चिपसेट में क्वालकम स्नैपड्रैगन 7 प्लस जनरेशन 3 4nm के सपोर्ट के साथ आएगा। वहीं अगर हम CPU की बात करें तो CPU इसमें हमें मिल जाता है ऑक्टा कोर 2.8 GHz, GPU मिलता है एड्रेनो 730। इसी के बाद अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें कार्ड स्लॉट हमें मिल जाएगा, जो कि माइक्रो SD कार्ड स्लॉट होगा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं शेयर्ड सिम स्लॉट के साथ। अगर हम इसकी इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें हमें 2 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, 128 GB और 256 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जो कि 8 GB रैम के साथ आपको मिलेंगे। अगर हम रियर कैमरे की बात करते हैं तो ड्यूल कैमरा मॉड्यूल इसमें हमें मिलता है, जो कि 50 MP और 8 MP होगा और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा 4K में 30 FPS और 60 FPS। वहीं अगर हम फुल HD की बात करते हैं तो फुल HD सपोर्ट इसमें हमें मिल जाता है 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 16 MP का हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है और ये कैमरा फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करेगा 30 FPS में। अगर हम इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में हमें बैटरी मिल जाती है 5500 mAh, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी और इसे आप 100 वॉट के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 100% तक चार्ज होने में सिर्फ 26 मिनट का टाइम लेंगे। अगर हम इस फ़ोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फ़ोन में हमें ऑडियो जैक मिलता है Type-C, ब्लूटूथ हमें मिलेगा 5.4 A2DP, NFC सपोर्ट के साथ आएगा और USB कनेक्टिविटी मिलेगी चार्जिंग के लिए Type-C 2.0। उसी के बाद इसमें फिंगरप्रिंट अनलॉक आएगा ऑन स्क्रीन और ये फ़ोन आएगा ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ, जिसमें एक सिम स्लॉट होगा नैनो, सेकंड सिम स्लॉट होगा नैनो प्लस हाइब्रिड। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।